अभय चौटाला का बयान, कहा मुख्यमंत्री ने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया और सवालों में फंसते नजर आए। चौटाला ने आगे कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जबकि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है। चौटाला ने गुरुग्राम के प्रद्युमन हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की थी और अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। एक भी बात का सही रिप्लाई नहीं आया, हर बात में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फंस के खड़े हुए। यहाँ जब कानून व्यवस्था की बात आई, हमने जब उनसे पूछा कि आपके इस राज के अंदर कानून व्यवस्था का जो दिवालिया पिटा हुआ है, जिस किस्म के हालात आज प्रदेश के हैं, लोगों में जो एक भय का माहौल है, आपकी सरकार ने उस पर क्या किया, तो मुख्यमंत्री ने आगे से चल करके ये कहा कि अपराधी अपराध तो करते हैं लेकिन हमारी पुलिस बड़ी तत्परता के साथ उनको पकड़ लेती है। मैंने फिर रियान स्कूल का मामला उनके सामने उठाया और मैंने उनसे कहा कि आपकी पुलिस ने किस तरीके से एक इनोसेंट आदमी को मुजरिम बना दिया। हमने डंगर एड़ी का मामला उनके सामने उठाया कि किस तरह से तीन लड़कों को जो इनोसेंट थे उनको पकड़ के अंदर कर दिया, मुजरिम बाद में कहीं दूसरी जगह पकड़े गए और जब उन्होंने कबूल कर लिया तब उनको दूसरों को छोड़ा गया और उनको मुजरिम बनाया गया। मैंने कहा आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप होम मिनिस्टर हो, ये इस तरह के काम जब हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका अपने डिपार्टमेंट पे पकड़ नहीं है। तो आगे से मुख्यमंत्री का जवाब था कि डिपार्टमेंट का अपना काम है, ये काम मेरा नहीं है, क्या ये काम डिपार्टमेंट देखेगा, पुलिस देखेगी, पुलिस ने कैसे करना है क्या करना है। मैं बोला फिर आप किस चीज़ के मंत्री हो? कोई भी मंत्री किसी को अगर मंत्रालय दिया जाता है उस मंत्री की जिम्मेवारी होती है टोटल की टोटल कि उसके मंत्रालय में किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसके मंत्रालय के अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो, उस मंत्रालय का काम जो है उस काम में अगर कोई अनदेखी करे, अगर उस काम को कोई जानबूझ करके रोकने की कोशिश करे तो उसके लिए मंत्री जिम्मेवार होते हैं, ना कि अधिकारी जिम्मेवार होते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं हो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। हमने तो विधानसभा में भी कहा कि आपको फिर एक मिनट भी इस पद पर नहीं रहना चाहिए, आपके माध्यम से फिर कहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर अपने डिपार्टमेंट को संभाल नहीं सकते तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।